नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार मौर्य। आज हम एक डेल का मॉनिटर देखेंगे जिसके अंदर आपको स्क्रीन का फॉल्ट नज़र आएगा, जो कि आप मॉडल नंबर देख सकते हैं इस तरह से है। ठीक है, तो थोड़ा स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, तो अभी हम लोग इसका फॉल्ट देख लेते हैं कि फॉल्ट किस तरह से इसका है, उसी हिसाब से इसका सोल्यूशन भी निकालेंगे हम लोग। ओके, तो मैंने एडाप्टर इन किया, डेल लिख के आया हुआ है, तो ऐसे आपको मालूम नहीं पड़ेगा, मुझे सिग्नल देना पड़ेगा। और इस मॉनिटर में जो है HDMI वाला सुविधा उपलब्ध है, तो आप HDMI और BGA दो सिस्टम है दिया है, तो आप दो तरीके का इनपुट लगा के देख सकते हो। तो मैं HDMI लगा के इनपुट देखता हूँ, आप देख सकते हो पिक्चर क्लियर चल रहा है, लेकिन पट्टा आता, देखो ऐसा लग रहा है कि आपको साइड कॉप का प्रॉब्लम है, लेकिन ये फ्रेमलेस है। और फ्रेमलेस में आपको मालूम होना चाहिए कि इसके अंदर जो है फ्रेमलेस में कभी भी साइड कॉप नहीं होता है। आपको ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि फ्रेमलेस में साइड कॉप नहीं होता है। ओके, तो अभी हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन थोड़ा सा केयरफुली करना है, क्योंकि इसके अंदर जो है फ्रेमलेस है और कोई बॉर्डर नहीं है, डायरेक्ट पैनल ही आपके ग्राउंड साइड में टच हो जाएगा, या बोल सकते हो इसके ऊपर टच हो जाएगा। तो आपको केयरफुली ध्यान रखना है, और नीचे कुछ कचरा ना हो, या फिर कोई स्क्रू ना हो, कोई कंकड़ ना हो, उस आपको देखना है, और उसको केयरफुली आपको ओपन कर लेना है। और ओपन करते समय ध्यान रखिए कि स्क्रीन डैमेज होने का चांस ना हो, और कोई चांस हो तो उसको दूर रखें हमेशा। ओके, तो इसको आराम से ओपन कीजिए, कोई घाई करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से जितना अच्छे से आप ओपन करोगे आपके लिए ही बेनिफिट है, और थोड़ा ओपन करने में टाइम जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो है स्क्रू बहुत सारा यूज़ किया हुआ है। जो स्क्रू है ना, वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया हुआ है, ताकि इसका बॉडी जो है सही तरीके से टचअप रहे में रहे, क्योंकि इसके अंदर फ्रेमलेस है। तो किसी किसी में जो फ्रेम होता है उसके अंदर स्क्रू टाइट करने का सिस्टम दिया रहता है, तो इसके अंदर पैनल के अंदर ही इसका पीछे का बॉडी टाइट होता है, पैनल का जो बैक वाला पोर्शन होता है लोहे का, उसके ऊपर ही टाइट होता है। तो आप केयरफुली ओपन करें इसको, आपका स्क्रीन बहुत ही इसका सेंसिटिव होगा, और टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं जब आपका टीवी फ्रेमलेस होता है तब। अब फ्रेमलेस नहीं है तो आपको कम से कम नहीं तो 1.5 इंची का आपको गैप मिल जाता है, पैनल आपका उठा रहता है, लेकिन इसके अंदर डायरेक्ट ही आपका ज़मीन पर टच होता है, या बोल सकते हैं आपके काउंटर के ऊपर टच रहता है वो। तो आपको एकदम केयरफुली जितने भी स्क्रू लगे हैं अब इसको रिमूव करना है आपको अच्छे से, ताकि खोलने में आपको आसानी हो, और ज़ोर ज़बरदस्ती बिल्कुल ना करें। ज़ोर ज़बरदस्ती आप करेंगे तो आपका ही नुकसान होगा, तो इसीलिए आप जितना केयरफुली खोलेंगे, जितना आसानी से खोलेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका इजी काम हो जाएगा और डैमेज होने के चांसेस कम रहेंगे। चलिए, अब मैंने सेट को तो ओपन कर लिया है, एक मेटल वाला पोर्शन बाकी है रिमूव होना, तो इसके अंदर भी दो स्क्रू लगे रहते हैं, उसको भी हमको खोल के इसको अब रिमूव कर लेना है। अब आपको इस PCB पे ही काम करना है, जो कि इसके अंदर साइड कॉप भी नहीं दिया है, और ये IPS डिस्प्ले है। IPS मतलब LG का डिस्प्ले है। तो अब हमको सारे कनेक्शन, बैकलाइट के बाकी सारे कनेक्शन आपको केयरफुली करना है, एडाप्टर लगा के आपको चेक कर लेना है। अभी मैंने टीवी खोला है तो देखती हूँ कि कहीं डैमेज तो नहीं हुआ स्क्रीन, ये सब हमको नहीं, जैसा है वैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पिक्चर सही चल रहा है, लेकिन देखो एक पट्टा आता है। ठीक, इसी को फॉल्ट को हमको दूर करना है, जो पट्टा आ रहा है रह रह के, इसी फॉल्ट को हमको दूर करना है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि कहीं कॉप कोई जला तो नहीं है। सबसे पहले कंडीशन हमका वो हमारा वही होता है कि हमको कॉप देखना है, जला तो नहीं है कहीं भी, क्योंकि ये हल्का फुल्का भी जला रहेगा तो भी इस तरह के आपको फॉल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर जला भी रहता है तो 90% जो है पूरे पिक्चर में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये हाफ पिक्चर में, हाफ एक तिहाई पिक्चर में आ रहा है,
तो हो सकता है ना जला हो, क्योंकि 90% चांस है नहीं जलने का, 10% चांस है जलने का, लेकिन हमारा देखना फ़र्ज है। तो आपको कॉप के ऊपर नीचे से लाइट जलाना है और सभी कॉपों को एक समान दिखना चाहिए। आपको इस तरह से अनुमान लगाना है, मतलब इस तरह से आपको देखना है कि सारे कॉप एक जैसे ही दिखने चाहिए, कहीं भी ब्लैक डॉट या फिर जलने जैसा कोई चीज़ ना हो। तो यहाँ पर बराबर है सारे कॉप, तो हम जैसे थे वैसे कर देते इसको। तो एक पॉसिबिलिटी हमारी हट गई, मतलब कॉप आपका सही है। अब हमको इसमें देखना है कि इसमें जो ऑड इवन के लाइन होते हैं वो कहाँ पर है। तो यहाँ पर आपको सप्लाई, किसी भी सिग्नल सप्लाई चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आपको मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए हमको पहले ऑड इवन का सिग्नल चेक करना पड़ेगा, क्योंकि एलजी का पैनल है तो इसमें ऑड इवन होंगे। अगर यू के पैनल होते हैं तो SC1 LC2 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले ऑड इवन चेक करने हैं। ऑड इवन का मतलब क्या होता है? एट अ टाइम या तो VGH या तो VGL, एक बार VGH या तो VGH होगा, VGL VGH VGL VGH, इस तरह से स्विचिंग होता है। जो काम हमारा साइड कॉप करता है, यू अगर आपका लेवल शिफ्टर IC लगी है तो वो काम आपका सोर्स PCB पे ही हो जाता है। तो हमको वो चेक करने हैं। तो बारी बारी से आपके जितने भी पॉइंट रहते हैं वहाँ पर लिखा भी रहता है, तो आपको केयरफुल्ली थोड़ा सा देखना है और सही तरीके से। अब मैं यहाँ पर ग्राउंड करता हूँ एक प्रॉब और देखते हैं। देखिए यहाँ माइनस 11 वोल्ट हुआ और यहाँ पर 20 वोल्ट से ज़्यादा हो गया। अब मैं रेंज चेंज करता हूँ, माइनस 11 वोल्ट और 28 वोल्ट, मतलब ये एक पॉइंट मिल गया हमारा ऑड इवन का मतलब, ठीक है। या तो ये इसको इवन पकड़ लो या तो ऑड पकड़ लो। अभी हमको उस ट्रैक को कट करने हैं जो IC साइड से आए रहते हैं। IC साइड से आता है, फिर वहाँ का एक का दो होगा। एक का दो होने का मतलब कि एक लेफ्ट साइड से जाएगा और एक राइट साइड से जाएगा। जैसे कि 6 लाइन आएगी तो 6 का 12 होगा, तो 12 मतलब वो 6 ही रहेगा, मतलब उसको डबल कर देंगे, एक लाइन को 2 कर देंगे। तो एक चला जाएगा हमारा लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में रहेगा। तो हमको लेफ्ट और राइट को नहीं काटना है, हमको वो ट्रैक काटना है जो हमारा IC साइड से आया हुआ है। उस ट्रैक को काटने के बाद में आपको, उसके बाद आपको, देखो मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ इसका सर्किट लगा के फिर से, कि जो ट्रैक हमने काटे हो क्या बराबर है या नहीं है, उसी हिसाब से हम लोग काटेंगे। और एक बार कंफर्म, क्योंकि थोड़ा देखना ज़्यादा अच्छा होता है। कभी कभी ट्रैक के आपस में बाजू बाजू से गई रहती है तो हम लोग भूल जाते हैं कि कौन सा ट्रैक था कौन सा नहीं था। तो कंफर्म कर लेना और मार्क कर लेना है उसको, उसके बाद ही आपको डिसीजन सही से लेना है। नहीं तो आप हो सकता है दूसरा ट्रैक काट दोगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको जोड़ते हैं। ओके, तो अब जोड़ने के लिए क्या है कि इसके ऊपर सप्लाई देना पड़ता है। सप्लाई एट अ टाइम, एक को VGS देंगे, एक को VGL देंगे। जो ऑड इवन थे ना, उस पे ऑड पे या तो VGS दो या तो VGL दो, इवन पे या तो, मतलब दोनों का अपोजिट देना पड़ता है। अगर आप इवन पे अगर VGS देते हो तो ऑड पे आपको VGL देना पड़ेगा, अगर आप VGL देख, ठीक है। इसके लिए कंडीशन है कि जब आप पिक्चर ओके रहता है, जिस कंडीशन में आपका पिक्चर ओके रहता है, एट अ टाइम ऑड या इवन पे चेक करना पड़ेगा कि इस पे कितना वोल्टेज होने पे, वैसे VGH होने पे पिक्चर क्लियर होता है या VGL होने पे पिक्चर क्लियर होता है। जैसे इवन पे आपने प्रॉप रख के रखा है और वहाँ पर VGH जैसे ही आया तो पिक्चर आपको क्लियर चलने लगा, तो इवन पे आपको VGS देना है और उसके ठीक ऑड वाले पे आपको VGL दे देना है। वहाँ पर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, एक का आपने चेक कर लिया ना तो दूसरे को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। उसको एक को ऑड दे दिए, दूसरे को इवन, या एक को VGS दे दिए दूसरे को VGL दे, आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पिक्चर हमारा एकदम क्लियर चलने लगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। जो आपका पट्टा आ रहा था वो पट्टा चला गया है। तो ये फ्रेमलेस था। ठीक है, ये फ्रेमलेस था और इसको इसी तरह से रिपेयर करोगे जिस तरह ऐसा लग रहा था इसे साइड कॉप का प्रॉब्लम है। लेकिन LG के बहुत सारे, कोई भी पैनल में साइड कॉप नहीं आता है मेरे हिसाब से, जो मुझे जानकारी है।
तो इस तरह से आप रिपेयर कर सकते हैं। ये इस तरह से हम बोल सकते हैं कि फ्रीजिंग का फॉल्ट था, लेकिन फ्रीजिंग का फॉल्ट पूरे डिस्प्ले में होता है, लेकिन इसमें आधे दूर पे ही था, ठीक है, आधे दूर के ही ट्रैक में दिक्कत आई थी। तो हम इस तरह से करके इस प्रॉब्लम का निराकरण, या फिर बोल सकते हो कि सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए। काफ़ी वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए क्योंकि थोड़ा काम का लोड बढ़ गया है। पहले काम का लोड कम था इसीलिए वीडियो आपको ज़्यादा देते थे, अभी काम का लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इसीलिए आपको थोड़ा वीडियो कम मिलते हैं। मिलते क्या है, आप सपोज़ करो कि आपको बहुत टाइम लगता है, एक एक महीने का भी गैप होता है, लेकिन आपको वीडियो मिलते ही रहेंगे, वीडियो कभी बंद नहीं होंगे, लेट आएंगे लेकिन आएंगे ज़रूर। ओके, आई होप कि आप समझ गए रहेंगे और आइंदा ऐसा फॉल्ट आएगा तो आप रिपेयर कर लोगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे। अब मैं इसको पैक कर लेता हूँ अच्छे से। ओके, चलिए।